कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। इस टाइम जो क्वारंटाइन का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन जो हो रखा है, सब कुछ हमारे इंडिया के अंदर, क्योंकि जो इंडिया के अंदर है, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो सब समझते होंगे कि इस टाइम हमारे हालात जो है सभी के कैसे, मतलब दिन पर दिन जो है कितना खराब होता जा रहा है। उम्मीद करती हूँ जहाँ पर भी है आप अपने आप को जो सुरक्षित बना के रखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं होम्योपैथी जो आप लोगों को बताने वाली, आप लोगों ने वैसे टाइटल में समझ ही लिया होगा कि मैं क्या बताने वाली हूँ, मगर हमें जो ऐसा क्या मिलाना होगा जो कि घर बैठे हम लोग जो फेशियल कर सके, किस तरीके से करें, आपको मतलब कहीं भी इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, सब कुछ आपके घर पे ही अवेलेबल होगा। उससे जो आप अपने आप को जो अच्छा ग्लो ला सकते हैं, स्किन के अंदर जितने भी स्पॉट्स हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे। अगर आप लोगों की स्किन टोन अगर थोड़ी हार्ड है तो उसमें टाइम लगता है 1 से 2 बार, और जिनकी स्किन सेंसिटिव है तो उनके जो है फर्स्ट टाइम में ही जो अच्छे से रिमूव हो जाता है। पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम जो होती है वो सारी खत्म हो जाती है, एक्ने की प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती है, और जिनकी ऑयली स्किन है वो बहुत अच्छी ड्राई, मतलब मीन्स नॉर्मल स्किन हो जाती है। और मेरी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं आपको दोनों स्टेप बताने वाली हूँ कि इस ऑयली स्किन के लिए और नॉर्मल स्किन के लिए और ड्राई स्किन के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज मैंने कुछ नहीं लगा रखा अपने फेस पे, आपको दिख रहा होगा मैंने काजल वाजल, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को जो है वो मसाज करके दिखाना है, तो उसके लिए मेरे को पहले ही अपना फेस वॉश मैंने अपना पूरा करके आई हुई हूँ जो आप लोगों के सामने। मैंने इस टाइम पर कोई भी मॉइस्चराइजर कुछ भी नहीं लगाया, अपना फेस मैंने क्लीन कर रखा है, सिर्फ एक लिपस्टिक लगाई है और कुछ भी नहीं कर रखा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें इसमें क्या क्या चाहिए होगा मैं आप लोगों से जो शेयर करने वाली हूँ। देखिए, मैंने एक खाली बाउल ले लिया है, मैं डायरेक्ट कोई स्किप नहीं करने वाली, मैंने यहाँ बाउल ले लिया, और एक कटोरी में मैंने बेसन लिया है। यहाँ पर बेसन हमें अपने जो फेस के अकॉर्डिंग लेना होगा, अगर आप इसे जो बॉडी पे भी इस पर अच्छे मसाज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने जो एक चम्मच जो मैंने बेसन ले लिया है मैंने, और इसके अंदर हमें मिलाना होगा कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर पता है आपको कि मार्केट में पाउच भी मिल जाते हैं, 1-2 रुपए के पाउच होते हैं, उसकी क्वान्टिटी के बराबर ही हमें जो है कॉफ़ी लेनी होगी। मेरे पास यहाँ पर ये कॉफ़ी है, तो यहाँ पर जो है मैं थोड़ी सी कॉफ़ी लूँगी मैं। देखिए, हमें सिर्फ इतनी सी कॉफ़ी लेनी है, ये देखिए इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं, इतनी सी मेरे को सिर्फ कॉफ़ी चाहिए होगी। इसके अंदर मेरे को ऐड करना है बेसन के अंदर, ये हमारी जो सारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर मैं जो ऐड करने वाली हूँ रॉ मिल्क, अगर आपके पास अगर बॉयल मिल्क है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास देखिए ये रॉ मिल्क है, मैं इसमें आपके अगर स्किन आप लोगों की अगर ऑयली है तो आप लोग जो है दही मिलाइएगा, अगर आपकी स्किन जो है ड्राई या नॉर्मल है तो आप लोग जो है रॉ मिल्क इसके अंदर ऐड कीजिएगा। इसके अंदर जो 2 से 3 चम्मच जो आपको रॉ मिल्क ऐड करना है, इसका एक अच्छा सा थिक पेस्ट आपको बनाना है। ये देखिए, मैंने इसके अंदर इसको ऐड कर दिया है, मैंने इन तीनों को, इनका एक पेस्ट मैं बना लूँगी, कॉफ़ी, बेसन और दूध मैंने इसके अंदर ऐड किया, इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है। फिर हमें जो इससे अच्छे से जो है जब ये लेयर बन जाएगी तो हमें इससे जो है अच्छे से मसाज करना है। ये देखिए, एक अच्छा सा ये जो पैक बन चुका है हमारा ये फेशियल के लिए, ये देखिए। अब इसको जो मैं अच्छे से देखिए, मैंने इस पेस्ट को अच्छे से मैंने घोल लिया है मैंने, ये देखिए कॉफी का ये जो फेशियल मसाज का है मेरा तैयार हो चुका है। इस तरीके से आप इसको लगाएंगे, ये देखिए। आप इसको जो एक ब्रश की सहायता से भी लगा सकते हैं, मगर हमें यहाँ पर जो मसाज करना होगा तो हमें इसको जो है अपने हैंड से ही लगाना होगा। आप अपने बालों को जो है बांध सकते हैं या कोई हेयरबैंड लगा सकते हैं जिससे कि आपके बाल जो है खराब ना होए। तो मैंने अपने बालों को मैंने बांध लिया है मैंने, तो आपको जो क्या करना है, और अपने जो है रफ कपड़ा कोई भी आप पहन लीजिए, कोई कपड़ा अपने रख लीजिए, क्योंकि इससे जो गिर जाएगा तो गंदा होने के जो है चांसेस है। आप इसको जो इस लेयर को ऐसे लगाइए, इसको जो आपको एक पेस्ट जो है थिक पेस्ट रखना है आपको, इसका आपको यहाँ पर इसके जो बिल्कुल पॉइंट पे भी लगाना है इस तरीके से। और इसमें खास तौर से बोलना नहीं चाहिए, एक्चुअली आपको बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इस तरीके से अपने पूरे फेस पे आप इसको लगाइए, और इसको जो है 8 से 10 मिनट आप इसको रख सकते हैं, नहीं तो वैसे तो आप इसको 10 से 15 मिनट भी रख सकते हैं। अच्छे से जब ये ड्राई हो जाए तब आप इसको जो अच्छे से मुंह धो लीजिए, मगर उससे पहले जो हमें इसका मसाज करना होगा। ये देखिए, क्योंकि बेसन भी हमारे स्किन को जो बहुत ज्यादा जो है ग्लो करता है, ग्लोइंग करता है, और अच्छे से जो है इसको क्लीन भी करता है हमारे, और सारे जो पोर्स को जो है इस तरीके से हमें ये लगाना है। ये मैंने लगा लिया है मैंने इस तरीके से, और हमें जो इसको मसाज करना है नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे मसाज करना है, ऐसे नोज को तो आपको पता है इस तरीके से करा जाता है, और अपने जो है
फोरहेड को आपने इस तरीके से मसाज करना है सर्कुलेशन मोशन में, और आपको जो ये पूरी इस लाइन पे इस पे ऐसे करना चाहिए। और आपको पता है जब बहुत ज़्यादा हमारी स्किन जो धंसने लग जाती है, हमारी जो आईज है धंसने लग जाती है, इसके लिए इसको इधर भी करें, क्योंकि हमारी स्किन जो इससे टाइटनेस भी आएगा। इसके पॉइंट्स में आप लोगों को शेयर करा ली कि हमें किस किस जो है हमें इसको जो है मसाज करना चाहिए, हमें जो इस पॉइंट पे भी हमें मसाज करना चाहिए, इसको भी प्रेस करते रहना चाहिए लिप्स के ऊपर, नोज की साइड पे भी। और इस जो एक्यूरेशन पॉइंट होता है यहाँ पर भी, और टैप टैप करना चाहिए हमारे सर्कुलेशन मोशन जो इसका अच्छे से, हमारा जो है ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से चले। इसको आपको ऐसे ही मसाज करते रहना है, इस तरीके से आपको इसको करना है। और इसको करने के बाद फेस वॉश कर लीजिए 10 से 15 मिनट बाद। मैं फेस वॉश करके आती तब मैं आपको दिखाती इसका रिजल्ट क्या है। बहुत ज्यादा स्किन जो हमारी ग्लो करने लग जाएगी। इस तरीके से आपको लगाना है और अपने फेस को वॉश करना है। देखिए मैंने जो अपना फेस वॉश कर लिया है मैंने, और रिजल्ट आप ही के सामने है सारा। आप देख सकते हैं कि मेरी फेस जो बहुत ज़्यादा जैसे कोई फैदर होता है उसकी तरह जो स्किन ऐसी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रखा है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और आप देखेंगे पूरा जो डस्ट है पूरा क्लीन हो जाता है हमारा इससे अच्छे से। सिर्फ ये 5 से 10 मिनट का काम है, और जिससे कि हमारी स्किन जो है पिगमेंटेशन भी रिमूव होती है, साथ के साथ हमारी स्किन जो है टाइट भी होती है, और सारा आप देखेंगे क्लीन हो चुका है, और स्किन जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की होम रेमेडी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसी होम रेमेडी में, और आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय।